नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक धमाका के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर पर एक बेहतरीन प्रोजेक्टर कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर पे फुल फीचर्ड प्रोजेक्टर बना सकते हैं और उसके लिए आपको एक रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्टर कैसे बनता है तो उसके लिए मेरा पूरा वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो मैं आपको पहले बता दूँ। एक आपको चाहिए पड़ेगा बॉक्स, जिसको हम प्रोजेक्टर की बॉडी कहेंगे। ये आप कोई भी बॉक्स यूज कर सकते हैं, जैसे जो आपका जूते वाला बॉक्स हो जिसमें आप जूते खरीदते हैं तो उसके साथ जो बॉक्स मिलता है उस बॉक्स का यूज कर सकते हैं, या कोई भी इस टाइप का बॉक्स जो लगभग मतलब आपके, चूंकि आप मोबाइल से बनाने वाले हैं तो आपके मोबाइल से ज़्यादा चौड़ा और मोबाइल से ज़्यादा लंबा हो, कोई भी आप बॉक्स यूज कर सकते हैं। तो मैं जैसे मैंने ये पंखे वाला जो फैन आता है इसमें ये वाला बॉक्स यूज किया हुआ है। उसके बाद आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए बल्ब, जो आपका वेस्ट बल्ब होते हैं आपको वही बल्ब चाहिए, आपको कोई नया बल्ब नहीं इसके लिए चाहिए। जो भी बल्ब खराब हो चुका है आप उसको लीजिए और उसके आगे वाला हिस्सा, जैसे कि मैंने इसको फोड़ के रखा है, इसको ध्यान से किसी पेचकस या किसी और चीज़ से ऐसे तोड़िए ताकि इसका जो हिस्सा है वो ना टूटे, और इसके अंदर का जो वायर होता है वो निकाल लीजिए और इसको ऐसे नॉर्मल अंदर से बिल्कुल साफ कर लीजिए, बाहर से इसको धो लीजिए। जैसे अगर आपका बल्ब नया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका बल्ब यूज किया हुआ है तो उसको धो लीजिए, साफ कर लीजिए उसको सर्फ या साबुन से, ताकि इसके अंदर कोई भी वो ना रहे। इसके आर पार देखिए, जैसे इसको हम अगर यहाँ रखते हैं तो इसके आर पार बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए, इसके इस तरफ से उस तरफ पूरा पारदर्शी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर दो बल्ब यूज कर रखे हैं, ये देखिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ये फूटा हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पे ये, लेकिन इसकी कोई इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ तक ये साबुत होना चाहिए। इसके नीचे वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने पकड़ रखा है उस वाला हिस्सा साबुत होना चाहिए। तो इसके लिए हमें सिर्फ एक बल्ब की ज़रूरत होगी। ये मेरा थोड़ा सा इसको साफ़ करते समय इसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया था, इसलिए मैंने इसको दूसरा बल्ब यूज किया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक बॉक्स लेना है, जो कि ये मेरा एक बॉक्स है। आप इसमें जूते वाला बॉक्स लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैंने ये फ़ैन वाला लिया, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, देखिए। और उसके बाद ये बल्ब, इसको सबसे पहले तो आप इस तरह से बल्ब को बना लीजिए, यानी कि इसके अंदर का जो सारा मटेरियल है वो बाहर निकाल लीजिए और इसको साफ़ कर लीजिए सर्फ या साबुन की मदद से। और जब आप इतना कर लें उसके बाद करना क्या है, इसके बाद आपको बॉक्स आपने बना लिया है, आपने ये बल्ब यूज कर लिया है, बल्ब को जैसा मैंने बोला वैसा अगर आपने बना लिया, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक पेन या कोई एक मार्कर, कुछ भी आपके पास हो, और एक कटर की, जैसे कि मैंने ये चाकू का जो हिस्सा होता है धार वाला होता है, आप इसको लिए चाकू यूज कर सकते हैं, कोई भी कटर या जो आपका नॉर्मल कटर आता है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास इतना मटेरियल है, तो हमें चाहिए कितनी चीज़ें, एक बॉक्स, एक बल्ब, एक काटने के लिए कोई चाकू और एक पेन या मार्कर। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक बॉक्स को एक कोई हिस्सा सेलेक्ट कर लेना है, ये चार होते हैं, एक इसके पीछे दो, ये तीन और ये चार, तो इनमें से कोई भी जो छोटा वाला हिस्सा है मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप इसको भी कोई भी एक हिस्सा बस सेलेक्ट कर लेना है। और उसमें करना क्या है, उसमें इस को ऐसे रखना है और देखना है, यहाँ पे हमें इसको फिट करना है ऐसे, तो यहाँ पे इसको इसी स्टेज में काट लेंगे। तो आप इसको कहीं भी, मैं थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा ऊपर रखिएगा, बिल्कुल नीचे ज़मीन से हटा के नहीं रखना है इसको, थोड़ा ऊपर, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट ज़मीन में रखेंगे तो हमारे दीवार पे जो इसका व्यू आना चाहिए वो काफ़ी ऊपर आना चाहिए, तो इसलिए हम इसको थोड़ा ऊपर की तरफ इसको रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको आप देखिए हम करते क्या हैं, हम इसको यहाँ पे इसको रखने के बाद इसको काट लेंगे। मैंने इसको ऐसे रखा और इस पर ये बॉक्स रखा, ये मैंने ये रखा, और इसको क्या करना है, अब हमें इसको काटना है। तो पहले हम इसको ऐसे रखेंगे तो बल्ब काटेंगे तो बल्ब के फूटने के चांसेस हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसका और स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। करना क्या है, हम इसको एक हाथ से आप पकड़ लीजिए, इसको होल्ड कर लीजिए, मैं इसको होल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने इसको पकड़ रखा है और ये मैं इसको पेन से इसका स्ट्रक्चर बना लूँगा। ये देखिए, ये मैंने पेन से इसका स्ट्रक्चर बना लिया है, अब मैं इसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ,
और अब हमें करना क्या है, हमें इस जो हमारे पास कटर है उसकी मदद से इसको काटना है, उस हिस्से तक को काटना है, यहाँ से ये हिस्सा, यहाँ से लेके और ये जो हिस्सा हमने ये डार्क कर रखा है, ये जो शेप बना रखा है इसको हमें काटना है। तो मैं इसको काट लेता हूँ, तो मैं इसको काट के आपको दिखाता हूँ कैसे आपको काटना है इसको। ये ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब इसको इसके अंदर रखना है तो इसमें लूज नहीं होना चाहिए। छोटा होगा तो उसको हम बड़ा कर लेंगे, लेकिन अगर बड़ा बन जाएगा तो उसको हमें लूज करने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं, तो काट के रखा हुआ है ये, हमने इस हिस्सा इसका काट लिया है। ऐसे हमने एक पहले से बॉक्स को काट के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने इस वाला हिस्से में आपको बना के दिखाया था और मैंने इस हिस्से में पहले से काट के रखा है, क्योंकि अगर काटना तो आपको आता ही है। इसको काटने में मैं 5 से 8 मिनट लगेंगे, तो 5 से 8 मिनट का वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैंने इसको पहले से काट के रखा है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले इसको इस शेप में, जो शेप मैंने यहाँ बनाई हुई थी, ये देखिए इस तरफ मैंने ये शेप बनाई हुई थी, इस शेप में इसको काट लीजिए। काटने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे फिट करना है, तो इसको ये देखिए फिट कर दिया, ये देखिए उसमें फिट हो जाता है। उसके बाद अगर आपने सेब बढ़िया काटी है, यानी कि बहुत अच्छे से काटा है, तो ये वैसे फिट हो जाएगा। देखिए ये गिरेगा नहीं, अब ये देखिए गिर नहीं रहा है। और अगर आपने अच्छे से नहीं काटा है तो ये इसमें स्लिप करेगा, यानी कि गिरने का चांसेस रहेगा। तो जब गिरने के चांसेस होंगे तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर टैप लगा देना है और अंदर से भी टैप से इसको चिपका देना है, या किसी भी चिपकाने वाले इंस्ट्रूमेंट, गम या किसी भी चीज़ से चिपका देना है। वैसे आप अगर इसको भी चिपकाना चाहते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से इसको जरूर चिपका लें ताकि ये मजबूत रहे। उसके बाद करना क्या है आपको, अब आपको आपका ये प्रोजेक्टर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपको इसके अंदर पानी डालना है, क्या डालना है, पानी इसके अंदर, उसको पूरा पानी से भर लेना है। ले रहा हूँ, तो देखिए आप इसको पानी से बिल्कुल फिल करना है। इसमें पानी आप धीरे से डाल दीजिए, ये क्या कपड़े के अंदर जा रहा है, तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ। ये देखिए जमीन पे रख देता हूँ और इसको पानी से फिल कर देता हूँ। इसको ध्यान से इसके अंदर पानी डालना है ताकि ये पानी से फिल हो जाए। इधर से बाहर से अच्छे से डाल देने वाला है, तो मैं इसको अंदर से इसको फिल अप कर दे रहा हूँ। अंदर से इसको हम पानी डाल दे रहे हैं क्योंकि बाहर इसका हिस्सा कम निकला होगा, अंदर ज़्यादा निकला होगा। ये देखिए ये मैंने इसको पानी से फिल कर दिया और ये अब आपका प्रोजेक्टर तैयार हो चुका है। इसको आप बिल्कुल पानी से बिल्कुल फिल कर दीजिए, पूरा भरना होता है इसको पानी से, और उसके बाद आपका प्रोजेक्टर ये तैयार है। ये देखिए ये पानी से भरा हुआ है और अब आपका ये प्रोजेक्टर तैयार है। अब आपको तैयार क्या करना है, देखिए ये आपका प्रोजेक्टर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस आपको बॉक्स में एक बल्ब लेना है, उसको फिट करना है और आपका प्रोजेक्टर तैयार है। अब आपको अपने मोबाइल में कुछ, क्योंकि आप वीडियो मोबाइल से ही चलाएंगे, तो अब आपको मोबाइल में कुछ सेटिंग करनी होगी। मोबाइल में सेटिंग क्या करनी होगी कि मोबाइल में सबसे पहले आप MX प्लेयर को लिया, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ आपको करना क्या है। अब आपका प्रोजेक्टर बन के तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल में वीडियो चलाएंगे और उसको दीवार पर, यानी कि वॉल पर उसका प्रोजेक्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए आपको MX प्लेयर या जो भी आप प्लेयर यूज कर रहे हैं उसकी सेटिंग में जाना है, क्योंकि हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो चलिए जैसे मैं MX प्लेयर से वीडियो चलाऊंगा, तो उसकी सेटिंग में गए और सेटिंग में जाने के बाद इसमें से कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। और उसमें से आपको करना क्या है, मान लीजिए मैं इस वीडियो को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, कोई सा भी इंटरनल मेमोरी में जो पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है ये चल रहा है। उसके बाद देखिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आवाज़ जो है बंद कर दे रहा हूँ, इसको रोक दे रहा हूँ क्योंकि। तो आपको करना क्या है, अब आपको इसकी ब्राइटनेस को फुल कर देना है और वॉल्यूम को जितना आप रखना चाहें, ब्राइटनेस को आपको इसको फुल कर देना है। और इसकी मैं आवाज़ भी बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ इसकी आवाज़ से कॉलरेट होगी। तो आप इसकी आवाज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, वॉल्यूम इसका अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि इसकी ब्राइटनेस जो है वो फुल होनी चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको ये देखिए ये लॉक दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है लॉक पे, तो आपका ये जो है लॉक हो जाएगा। जैसे हम इसको रिमूव करेंगे तो ये स्क्रीन इसकी होल्ड नहीं होगी। जैसे भी मैं इसका लॉक खोल देता हूँ तो देखिए जैसे मैं इसको पलटता हूँ तो इसकी स्क्रीन रोटेट हो जाती है अपने आप। तो आपको इसको रोकना है, वहाँ रखेंगे तो हमें इसका उल्टा विजुअल चाहिए होगा। यहाँ पर आप यहाँ सेटिंग में जाके, टूल्स में जाके,
लॉक पे जाके ये देखिए स्क्रीन रोटेशन को, ये देखिए इसको क्लिक करके ओके कर दीजिए ताकि आपका स्क्रीन जो है लॉक हो जाए। ये देखिए लॉक हो चुकी है। इसको हमें करना क्या है दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, टूल्स में जाइए और करना क्या है स्क्रीन रोटेशन जो लिखा हुआ है उस पर चेक करना है, या आपका अनचेक होगा तो इस पर चेक करना है और इसको हटा देता हूँ, इसको ओके कर देना है। और ये देखिए ये देख रहे हैं अब आपका यहाँ निशान बन के आ गया ताले की जगह, ये जो था इस पर क्लिक कर देना तो अब आपका ऑटो रोटेशन नहीं होगा। मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ तो ये आपका रोटेशन हो रहा है। अब देखिए मैं इसको लॉक कर दे रहा हूँ, ये देखिए अब आपका ये रोटेशन नहीं होगा। इतना करने के बाद आपको इसकी ब्राइटनेस फुल कर देनी है और अपने अकॉर्डिंग इसकी वॉल्यूम रखना है और इसको उल्टा इसमें प्रोजेक्ट करके देखना है। तो वो मैं आपको उसके अंदर रख के दिखा रहा हूँ कैसे आपको मोबाइल को सेट करना है। और आप देख सकते हैं ये देखिए ये दीवार पे हमारा प्रोजेक्टर चल रहा है और इसमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रही है। ये चूँकि इसकी ब्राइटनेस बहुत कम है इसलिए इसकी पिक्चर साफ नहीं दिख रही, बाकायदा आप देख सकते हैं कि ये कितना दीवार पे कितनी बड़ी पिक्चर दिख रही है। तो इस तरह से आप अपना प्रोजेक्टर बना सकते हैं। ये देखिए ये आपका मोबाइल ये चल रहा है, ये देखिए ये छोटी स्क्रीन है और ये दीवार पे इतनी बड़ी स्क्रीन पर आ रही है। ये देखिए प्रोजेक्टर रखा हुआ है, ये इतना बॉक्स है जिसमें से जितने आप इसको दूरी पे रखेंगे उतना बड़ा इसका प्रोजेक्टर दिखेगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका प्रोजेक्टर है और ये आपकी स्क्रीन दिख रही है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये देखिए कितना बड़ा आ रहा है, मेरी उंगली है और ये देखिए इसका कितना बड़ा पिक्चर आ रही है। तो इस तरह से आप एक बेहतरीन जो है बना सकते हैं प्रोजेक्टर। देखिए मैं जैसे ही लाइट ऑन करूँगा तो इस विजुअलिटी कम हो जाएगी, ये देखिए अभी विजुअल नहीं हो रहा है ठीक तरह से। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो अंधेरा कमरा होना चाहिए। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ लाइट को, ये देखिए और सॉरी ये डिस्टर्ब हो गया है। और ये देखिए ये क्लियर हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हम अपना प्रोजेक्टर तैयार कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमने इसको सेट कैसे कर रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बता दें आपको सेट कैसे किया है हमने। तो सेटिंग करने के लिए मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। अब प्रोजेक्टर में हमें सेटिंग करनी है, हमें अपने मोबाइल की लोकेशन सेट करनी है कि हम अपना मोबाइल कहाँ रखें ताकि हमें बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिले। तो सबसे पहले तो आपने जो प्रोजेक्टर बनाया था मैंने कहा था इस होल को थोड़ा ऊपर करिए ताकि ये इतना स्पेस खाली रह जाए। अब इस स्पेस की को खाली रखने की वजह क्या थी, देखिए इसके नीचे हमें क्या करना, कोई एक बुक या कोई भी ठोस धातु इसके अंदर रख देनी है जिससे क्या होगा कि इसका आधार मजबूत हो जाएगा और ये हिलेगा नहीं और बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे एक बुक, मोटी सी बुक थी जिसको हमने इसके अंदर रखा हुआ है ताकि ये पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाए। उसके बाद आपको करना क्या है, अपना मोबाइल लेना है और उसमें वीडियो प्ले कर लेना है और उसको ये देखिए ये वीडियो प्ले हो गया। इसको हमें मोबाइल को यहाँ सेट करके दीवार पे देखना है कि कहाँ पे इसका प्रोजेक्टर बेस्ट आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टर बेस्ट आ रहा है। आपको दीवार पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर दिख जाए वहीं पे आपको रुक जाना है। और उसके बाद क्या करना है, इस एक हाथ से इसको पकड़ना है और दूसरे हाथ से यहाँ पे इसके पीछे और आगे दोनों तरफ लाइन खींच लेनी है। आगे भी यहाँ पे एक मार्कर से निशान लगा लेना है ताकि ये मोबाइल हम वहाँ पे सेट कर सकें और इसके पीछे भी एक लाइन, यहाँ पे पीछे भी एक लाइन खींच लेनी है। और वो लाइन खींचने के बाद, जैसे कि यहाँ पे मैंने कागज़ चिपका रखा है पहले से, ये लाइन खींचने के बाद आपको करना क्या है, आपको कोई भी एक इसी का जो यहाँ का हिस्सा है या कोई भी एक कागज़ लेना है और उसको यहाँ पे जहाँ पे हमने ये लाइन खींची थी वहाँ पर ऐसे रोक देना है। इससे क्या होगा कि हमारी जगह फिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ इसको मोबाइल इसी तरह से रख सकते हैं, तो हमें इसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारा मोबाइल बिल्कुल फिट हो गया और हमारा प्रोजेक्टर बिल्कुल साफ़ आ रहा है। तो अब आप चाहें तो इसको या तो इस तरह से काटिए इसको ताकि ये फिक्स हो जाए और मूव ना कर पाए, या फिर इसको गम या फेविकॉक से चिपका सकते हैं आप, और आपका प्रोजेक्टर तैयार है। अब आप देख सकते हैं दीवार पर इसका व्यू।